काफी पुराने समय की बात है। जंगल में घना पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी हुई करती थी। उस झोपड़े में एक साधु महात्मा रहते थे। वो महात्मा रोजाना संध्या के समय प्रवचन देते थे और लोगों को सदाचार की बातें बताते थे। रोजाना सैकड़ों की तादाद में उनके सत्संग को सुनने और विचार को सुनने के लिए लोग आया करते थे। एक दिन महात्मा जी लोगों को सदाचार के बारे में बता रहे थे और सत्संग खत्म होने के बाद महात्मा जी अपने विश्राम करने कुटिया में चले गए। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। वो व्यक्ति बड़ा परेशान लग रहा था। वो व्यक्ति बोला, महात्मा जी, मैं काफ़ी समय से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। रोज़ आप काफ़ी प्रेरक और सदाचार की बातें बताते हो, लेकिन इन सब का जीवन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। मैं काफ़ी समय से आपकी बातें सुनते आया हूँ, लेकिन मेरे अंदर बदलाव तो नहीं आया। फिर इन सदाचार बातों को क्या फ़ायदा? महात्मा जी ने उस व्यक्ति को एक लकड़ी की टोकरी दी और कहा, कल सुबह इस टोकरी में पानी भरकर लाना। व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस लकड़ी की टोकरी में पानी कैसे भरेगा, क्योंकि उसमें तो काफ़ी छेद हैं। वो व्यक्ति सुबह उठकर नदी के किनारे गया और टोकरी में पानी भरने का प्रयास करने लगा। जैसे ही वो टोकरी में पानी भरने की कोशिश करता, सारा पानी नीचे गिर जाता। उसने फिर प्रयास किया, फिर से पानी निकल गया। वो व्यक्ति घंटों प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार पानी नीचे निकल गया। प्रयास करते करते शाम हो गई। वो व्यक्ति खड़ा परेशान हुआ, अब महात्मा जी को क्या जवाब देगा। अगले दिन वह जब महात्मा जी के पास पहुंचा, तो उसने उन्हें सारी बात बताई। टोकरी में पानी भरने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन हर बार पानी छेद से निकल जाता। महात्मा जी बोले, अच्छा ये बताओ, तुमको इस टोकरी में पहले की तुलना में कुछ फर्क नज़र आया कि नहीं? व्यक्ति बोला, यह टोकरी पहले गंदी थी, इस पर काफ़ी धूल जमी थी, लेकिन अब यह एकदम साफ नज़र आती है। इसके छेद भी पहले काफ़ी बड़े थे, लेकिन दिन भर पानी में रहने की वजह से लकड़ियां फूल गई और छेद भी मोटे मोटे हो गए हैं। महात्मा जी मुस्कुरा के बोले, बेटा यह टोकरी तुम्हारे जीवन की तरह है और पानी सदाचार की तरह। पहले टोकरी गंदी थी, लेकिन पानी में पूरे दिन रहने की वजह से साफ नज़र आ रही है। ठीक वैसे ही लगातार सदाचार की बातें सुनने और अपनाने में तुम्हारे मन की गंदी भी धुलती जाती है। तुमको इसका एहसास तुरंत नहीं होगा। यह सदाचार की भावना धीरे धीरे तुम्हारे मन और चिंतित को साफ करती जाती है। जैसे पानी में रहने की वजह से इस टोकरी की लकड़ियाँ फूल गई और कुछ समय बाद ये लकड़ियाँ इतनी फूल जाएंगी कि छेद भी पूरी तरह बंद हो जाएंगे और उसमें आसानी से पानी भर जाएगा। इसी तरह लगातार अच्छे व्यवहार और सदाचार से तुम्हारे मन और हृदय में भी अच्छी बातें आसानी से भर सकेंगी।